लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के अंदर चल रहे हूँ। गाड़ी बंद हो गई। ओह माय गॉड। आ जा बारिश के मजे लेने निकल पड़ी हैं। बिल्कुल मतलब मजा ही आ गया। जब हम नीचे ताला लगाने गए हाँ। बस छोटे लाल गए और बस पानी बरसना चालू तो घर पहुंच गए थे कि नहीं? पहुंच गया होगा, मैंने फोन नहीं किया। ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्विंकल स्पार्क। सशुकाल जी की हाल चाल? सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्विंकल स्पार्कलिंग व्लॉग्स। आज सुबह सुबह घर में बन रहे हैं पूड़े, मीठे पूड़े। आज घर में है बहुत अंधेरा क्योंकि लाइट नहीं आ रही है कल रात से, और बारिश हो रही है मूसलाधार। दादी जी फुल रेस्ट मोड में। दादी बत्ती तो नहीं आई है? कुछ नाश्ता वास्ता कर लो उठ के। मतलब बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है रात भर से। और मुझे एबा ने एक चीज और डिस्कवर करी है कि अगर लखनऊ में बारिश होने वाली है तो लखनऊ में दो दिन तक बहुत हवाएं चलेंगी, तब जाके आपको बारिश मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलती आपको। ऐसी बारिश तो मैंने नहीं देखी लखनऊ गाइस, मतलब पिछले 6-8 घंटे से बारिश हो रही है ज्यादा, पूरी रात भर बारिश हुई है और घर में पानी भर चुका है। पहले आपको छत के नज़ारे दिखाते हैं कि बारिश हो एक्चुअल में कितनी तेज हुई है। हम आपको दिखाएं गाइस पूरा मोहल्ला हमारा पानी से भर चुका होगा, देखो हर जगह पानी ही पानी। ये जैसे लग रहा है छोटा सा कैनाल निकल रहा है हमारी गली से, इतना पानी भर चुका है। गाइस बहुत तेज बारिश होती हुई है ना, बहुत तेज। आइए आइए आइए। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सत श्री अकाल। की खा रहे हो दादी? पूड़े। पूड़े बारिश के मौसम में? पूड़े मौसम ठंडा हो गया, मौसम ठंडा। सुबह बारिश का दिन है, मम्मी कह रही है जलेबी नहीं खाएंगी, इन्होंने मीठे मीठे बनाए हैं पूड़े, और देखिए कितना परेशान मम्मी है। कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर पानी निकाल देंगे भाई, इतनी कौन सी टेंशन वाली बात है। सो गाइस बहुत ज्यादा पानी भर चुका है घर में, ग्राउंड फ्लोर तो हमारा पूरा एकदम ध्वस्त हो गया है। हाँ जी ये पापा ने नगर निगम वालों को बुलाया है। एक काम करो, एक चैंबर आगे उसमें पानी भी जा रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा चैंबर दूंगा ये वाला काम कर दिया, उसको भी पाँच सौ लगा के छोड़ दिया आगे होगा। तो गाइस यहाँ हम और ट्विंकल ऑफिस जाते हुए देख रहे हैं, आप हमें पीछे पीछे फॉलो करिएगा, या हमें पकड़ दीजिए। तो गाइस ये बेटर मिल गया, जाके देखते हैं। तो फिर आप भी जॉब करिए ये भी खोल दिया। चलिए गाइस तीन चैम्बर खोल चुके हैं। ओ बाप रे बाप। सो गाइस हम निकल रहे हैं शॉप की तरफ देखने के लिए कि कहीं पानी वानी कहीं भर तो नहीं गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हुई है लखनऊ में, इनफैक्ट हो रही है। मैं पापा को लेने जा रहा हूँ, मतलब आप देख सकते हो घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है, और ये सिर्फ मेरे एरिया की बात नहीं है, पूरे शहर में ऐसा हुआ होगा। अभी अगर हम लोग आशियाना जाएंगे तो वहाँ इससे भी ज्यादा पानी होगा। सो ये गाइस पापा आ रहे हैं, पापा और ट्विंकल दोनों ही आ रहे हैं शायद। दोनों साथ में ऑफिस चले, बहुत ही ज्यादा तेज होती हुई बारिश।
ये आप देखो, मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहां कहां तक पानी आ गया है। और यहां पापा ट्विंकल को ड्रॉप करने आते हुए, वायर दे दो पापा, वायर वायर, पता लगे फिर पापा से बोल रहे थे। चलिए आते हैं थोड़ी देर में। पर अच्छा छाता इन्होंने ले लिया, एक छाता है। सो गाइस, यहां पे पानी से गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ, एक्चुअली पहले से ही थोड़ा सा टूटा हुआ था, अब वो निकल गया है। पापा और तरन जाते हुए, कुछ तो शायद पार्ट निकल गया है तो वो ढूंढने जा रहे हैं, पता नहीं। गाइस नॉन स्टॉप बारिश हुई है रात से, तो आप देख सकते हो कितना पानी भर गया है यहाँ पे। ये देखिए तरन छाता कैसे पकड़ के खड़े हुए। नीचे गोई तो भैया आए हैं, वो स्क्रू गोई तो उसका लूज हो गया था, उसको टाइटन अप कर रहे हैं। सो गाइस, शहर के हालात बहुत बिगड़ गए हैं, हर जगह बहुत पानी भर गया है। घर में तो बहुत ही पानी भर गया, तो हमें लग रहा है कि दुकान पे भी पानी भरा होगा। शुक्ला जी आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मुन्नू भैया को लेने और फिर जाएंगे हम लोग दुकान पे। आज न्यूज़पेपर भी नहीं आया है तो पेपर भी लेना है। और मम्मी की फरमाइश है कि अगर जलेबी खस्ते मिल रहे हो तो लेते आना, बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, मजा आ जाएगा। और आज वैसे मम्मी ने पूड़े बनाए घर पे, पूड़े बनाए हैं मीठे एकदम, और यू नो बारिश। और गाइज माहौल ऐसा है कि आज लगता नहीं कि आज दुकानदारी हो पाएगी, क्योंकि आज हमें लगता है पूरा लखनऊ अपने घर का पानी निकाल रहा होगा। तो यहाँ तरन को पढ़ने हैं न्यूज़पेपर, तो तरन दो न्यूज़पेपर लेने गए हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला, सुखमनी बुक डिपो। सो गाइस, यहाँ हम लोग मुन्नू भैया को रिसीव करने जाते हुए, ये पेड़ गिर गया भाई, ये देखिए गाइस ये पेड़ गिर गया, तो बहुत बड़ा पेड़ है। ओ बाप रे बाप, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया यहाँ से। तो बस मनु भैया यहीं कहीं अपना वेट कर रहे होंगे, एक बार फोन मिला लीजिए शुक्ला जी मनु भैया को। खड़े हैं मनु भैया, ये देखा, ये मनु भैया, ये गाइस मनु भैया आते हुए। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है मनु भैया? गजब बारिश हो रहा है, ये लगता है वो केरला का इधर आ गया, केरला में चक्रवाती चल रहा है। एक ही है जी, इसी तरह बारिश और हुई थोड़ी जी, ठंड आ जाएगी जल्दी, गर्मी खत्म। हाँ बस हो जाए अब गर्मी। मनु भैया तबीयत कैसी है? अब ठीक है। क्या हो गया था, गैस बन गई थी? गैस ये था, थोड़ा वीकनेस हो गई। बुखार तो नहीं आया ना? ना भैया बुखार ठीक खाली जरा देर में दोनों दोनों। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं राजलक्ष्मी, पहले होगा अब आज ब्रेकफास्ट। क्यों मनु भैया, ये है हमारे जलेबी वाले भैया, कम से कम 10 साल से तो हम आपको देख रहे हैं। और भी आप कैसे? सो गाइज आज ताजे ताजे खस्ते निकलते हुए, ऐसे नहीं भाई। गर्म है बहुत पार यार। आज मेरे हिसाब से बारिश रुकेगी ही नहीं, कल से ही हवा चल रही है, परसों से हवा चल रही है भैया, तुम भी हो गई। और अब सो गाइस यहाँ जलेबी खत्म हो गई, अब ट्विंकल के लिए फिर से जलेबी ली जाएगी। हाँ यहाँ की लखनऊ की जलेबी बहुत पसंद है मुझे, बहुत सही बनाते हैं, बहुत स्वाद है ना, छोटी छोटी बनाते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम पतली पतली, मतलब ये है असली जलेबी ऐसा लगता है। अरे यहाँ से तो पानी तो है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। सो गाइस यहाँ बहुत ही ज्यादा लंबा जाम लगता हुआ, यहाँ से पलट रहे हैं जी, बेटा दुकान ना थे तो पानी तो गया, मतलब बहुत ज्यादा ही तेज हो गया, बहुत इतनी बारिश हमने पहले लखनऊ में नहीं देखी है। भगवान ने मेरी सुन ली, तब से ऊपर पर मोटर को भूल गए। ये देखिए यहाँ भी पेड़ गिरता हुआ, यार 4-5 पेड़ मिले ना अपने को गिरे हुए, तो लटक ही गया है। बहुत ज्यादा ही तेज हवा चली है रात को, बस लखनऊ को बारिश की जरूरत थी, इतना मुझे पता है।
आपको भगवान ने बोला एक ही बार मिल गया। चल के छोटे लाल को भी रिसीव कर ही लेते हैं। ये चारबाग की वजह से जाम जाता है। कितनी गलत बात है, पूरा बाइक वाला ऑफिस जो जा रहा होगा उसको इसीलिए हम धीरे चला रहे। आनंद नगर तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता पानी गया होगा क्योंकि सड़क पूरी खाली है, तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चौथा पेड़ है और अपने रेडियस के अंदर है। एक और गिरा हुआ था, तुला जी पेड़ों की काउंटिंग करने आए हैं। ये मैं चेक करके बता रहे हैं कितने पेड़ गिरे मुझे अपने पास। खैर कल न्यूज़पेपर में आ जाएगा। न्यूज़पेपर तो पहले घर पहुंचे। धीरे धीरे चलो, धीरे जी जी मुझे याद है। नहीं आज तो खैर हर जगह जाम लगना लाजमी है। जाम नहीं लगे क्योंकि लोग निकल ही नहीं रहे हैं। जाम यहाँ पानी क्रॉसिंग जो है वाटर क्रॉसिंग लद्दाख जैसी। यहाँ धीरे से निकल। तो गाइस आप देख रहे हो कैसे पानी भरा हुआ है। इतना पानी है, आराम से बोटिंग हो सकती है यहाँ पे। इतना पानी भरा हुआ है यार यहाँ पे। जी मालिक दिख रहे होंगे आपको। अरे फोन काट दिया मैंने। चौराहे पे खड़े हैं। सो ये गाइस छोटे लाल की एंट्री होती हुई। बहुत पानी गिर रहा है यार। हाँ मुझे नहीं, रात से हो रही है। अच्छा आप जब घर पहुँचे हो रही थी तब कि उसके बाद शुरू हुई? उसके बाद ही चालू हुई। अरे यही नहीं गिर रहा, काफी जगह गिर रहा है। लखनऊ के सारे एरियाज में आज नहीं, गांव तक ही गिर रहा है। घर पे फोन आया था जब हमारा, कल रात से ही गिर रहा है। ओके तो मनुवे कौन सी मोटर ऐसी मतलब अभी लग गई? चालू रह गई ऊपर। तुम ही नहीं हुई है, इतना पानी आ गया, इतना हाई वोल्टेज। So guys, बारिश अपने अलग अलग रंग दिखाती हुई। यहाँ दिल्ली में इतनी बारिश हुई, दिल्ली पूरा हो गया। So guys, अब हम लोग चले ऑफिस की तरफ। क्यों डेंजर? समोसा तो मिला नहीं आपको, तो अब समोसा खाने जा रहे हैं। So guys, आज नहरिया पे बिल्कुल जाम नहीं है। पहली बार ऐसे निकल रहे हैं। आप देख रहे हो हम 30 की स्पीड में आए हैं और 30 की स्पीड में निकल गए। ये नहीं गया, ये आ गई है हमारी शॉप। गाड़ी बंद होती हुई ऐसे ही बरसता रहा तुम जाओ। ऐसा हाल हो रहा है यहाँ पे। बाड़ी बाड़ है हर तरह। इस तरह से उतरा जा रहा है, मेरी बारी उतरने की। इतना पानी है तो हम लोग अब जा रहे हैं नाश्ता लेने सबके लिए। बहुत तेज भूख लग रही है यार। हाँ सुबह से कुछ नहीं खाया ना, बहुत बारिश, एकदम एक ही दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो गई। अनबिलीवेबल। और यहाँ गाड़ी बंद होती हुई, गाड़ी बंद हो गई और ना बंद हो जा भाई, चलती रहे प्लीज चलती रहे। बहुत पानी भर गया है गाड़ी में। वो देख सामने, इसीलिए वो कह रहा था कि इधर से ना आइए। कौन कह रहा था? अनुभव। तो कहाँ से आइए, यहाँ से क्यों चल रहे, फिर उधर से ही चलते पीछे। तो यू टर्न भी नहीं ले सकते ना यार, हम सब किसी तरह ऊपर चढ़ा के खड़े करते हैं थोड़ी देर। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे तो यार।
तो सब फंसे हुए हैं, सब यहाँ पे सारी गाड़ियाँ ऊपर फंसी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि तालाब में बोट चल रही हो सच में, मतलब बहुत ज्यादा ही पानी है यार। मतलब हर एक रोड ऐसी तालाब बन गई है। और ये हम फिर से आ गए हैं आशियाना वाले राजलक्ष्मी पे। मुझे खाना है समोसा, मुझे ना खस्ता नहीं खाना है। तो गाइज हमको राजलक्ष्मी पे भी कुछ नहीं मिला है, ना वहाँ पे खस्ता थे, ना समोसा, ना जलेबी, कुछ भी नहीं था। सुभाष पे ट्राई करते हैं कि हमको समोसे तो मिल जाए एटलीस्ट। क्यों तरह समोसा नहीं, लेकिन जलेबी तो उसके पास दिख रही थी मैं। अच्छा जलेबी है। सुबह सुबह पता है यहाँ लखनऊ में सुबह सुबह समोसा जल्दी कोई बनाता नहीं है, यहाँ पे खस्ता जलेबी का वो है रिवाज। समोसा आपको मिलेगा शाम को। अब हम जा रहे हैं सुभाष पे। आज बारिश रुकेगी नहीं। हाँ। नहीं मानती ये रुकने वाली बारिश नहीं है। देखिए गाइस इतना बड़ा मशरूम है यहाँ पे। बड़बड़ाते हुए और बड़बड़ाते हुए पानी उड़ा के। ओ भाई लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के अंदर चल रहे हो। पानी पानी है पूरा। यहाँ BMW बंद होती है और हम किसी तरह अपने सुजुकी को सरवाइव कर रहे हैं। उसके पीछे देखो क्या लगा के चल रहे हैं। क्या ओ क्या ये अच्छा कहीं से अटक गया होगा। क्या करें, रिस्क लें या ना लें वहाँ से पीछे से। लोगों को तो दुकान पहुँचा ही दी है। तो मुन्नू भैया और शुक्ल अंकल कैसे जाएंगे वहाँ? अरे उनको बाद में पहुँचा दिया जाएगा, किसी तरह चले जाएंगे। फंसने से बढ़िया तो हम सोच रहे हैं इधर से सीधा अपना घर की तरफ निकला जाए यार। जलेबी खस्ता हम लोग घर चल के खा लेंगे। बोल दो ना उनको, उनके पास होगा ना खाने पीने का सब। सो आगे एक वैगन आर जाती हुई और यहाँ तरन रिस्क नहीं लेना चाह रहे बिल्कुल भी, क्योंकि आप देख रहे हो ना BMW बंद हुई है यहीं पे। देखो पानी में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो बंद होंगी होंगी, BMW ऑडी ये झेल नहीं पाती है। चलो खैर अपन जितने रफ एंड टफ चल जाती है ना गाड़ी। देखो वैगन आर भी निकल गई। ठीक है चलो 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 लेट्स सी। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और अगर अब रुक भी गई तो फिर का लगाने के लिए बुलाया जाएगा किसी को। निकल जाएगी बाबू, पर पानी का प्रेशर बहुत है उधर से। गाइज हमारा बम्पर आगे का टूट चुका है, जा चुका है पानी की वजह से। ये आवाज आ रही होगी, नंबर प्लेट जा चुकी है, बट हम स्टिल रिस्क ले रहे हैं। पानी बहुत ऊपर ऊपर तक है। बीवी के चक्कर में हम चल पड़े हैं ना, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी चलने की। और पता नहीं क्यों लग रहा है कि निकल जाएंगे। गाड़ी का एक्सीलरेटर फुल स्पीड पे, प्रेशर बहुत है, मतलब सीरियसली गाड़ी फ्लोट कर रही है मेरे को लग रहा है। ये देखो पानी कहाँ कहाँ। हाँ वही तो कह रहे हो, फ्लोट कर रही है गाड़ी, चल नहीं रही है। कुछ कह रहे थे जो मर्जी कह रहे हो, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। गलत आए हम लोग, वो बोल रहे थे वो देखो दोनों बंद हो गई हैं। वो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, पर हो जाएगी। गर्ल्स आर नॉट ऑलवेज राइट। अब ये देखिए ये कैसा प्रेशर देगी अपने को आगे। ओह भाई ये गाड़ी है कि हमें बंद होती हुई, लेकिन अपनी गाड़ी बंद नहीं होगी, अपन निकल जाएंगे। और ये निकल गए हैं यार, ये अंकल की गाड़ी यहाँ पे ये देखिए। और फाइनली हम लोग पहुंचते हुए ऑफिस। Yes, we are here. बहुत पानी भर गया है, अभी खड़ी का करनी है गाड़ी। ये देख लो ये कहाँ चला आया, किसके साथ और क्या हाल है भैया, थोड़ी देर में आ जाएंगे ठीक है। अरे नहीं बेटा। So guys पहुंच गए हम लोग ऑफिस, लाइट नहीं आ रही है। शुक्ला जी आइए समोसा खाइए। कैसी है छोटे लाल जी चटनी? पानी की तरह, पानी की तरह टेस्टी है, टेस्टी है, ताजे ताजे निकाले उसमें। आठवां पेड़ गिरा हुआ मिला हमको यहाँ पे। सारे अपने बोनेट खोल के खड़े हुए गाड़ियों के, सबकी गाड़ी में पानी भर गया है। और अब हम जा रहे हैं गोल मार्केट वाली शॉप के गोडाउन में देखने की वहाँ पानी भरा है कि नहीं। वैसे वहाँ नहीं भरा होगा, नहीं भरा होगा ना। Two hours later. अब हम लोग सारी शॉप्स को बंद कराने जा रहे हैं, हम अकेले ही आए हैं। ट्विंकल वीडियो एडिट कर रही है, आज हमारा क्यू एन ए टेस्ट होना है।
हवा भी बहुत तेज चल रही है और बारिश रुक नहीं रही है। एक मिनट रुकी नहीं भैया, हल्की रुकी, उसके बाद फिर जो है सारी गलियां तो एकदम नदियां बन चुकी हैं।